आगामी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने आपदा से निपटने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, जिसके लिए शिवनाथनी तट पर SDRF और NDRF की टीम द्वारा मॉक ड्रिल किया गया। SDRF अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा नगर सेना दुर्ग के द्वारा पुलगांव स्थित शिवनाथ नदी तट पर शुक्रवार को मॉक ड्रिल किया गया। इसी कड़ी में बाढ़ आपदा से संबंधित मॉक एक्सपीरियंस और मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें मोटर बोट से बाढ़ पीड़ितों को बचाने, डूबते हुए व्यक्ति को तैराकों एवं लाइफ बॉय की मदद से बचाने, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कटर के उपयोग एवं काटने, इमरजेंसी लाइट सिस्टम, उपलब्ध संसाधनों से बचाव कार्य एवं बाढ़ के दौरान की जाने वाली कार्रवाई का व्यवहारिक प्रदर्शन यहां पर किया गया। प्रशिक्षण का जायजा लेने दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, SDRF कमांडेंट नागेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित हुए, जिन्होंने SDRF और NDRF के जवानों को हर पल तैयार रहने की बातें कही। इस संबंध में न्यूज टीम को कलेक्टर व SDRF कमांडेंट नागेंद्र कुमार सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बाढ़ की स्थिति अगर वैसे निर्मित होती नहीं है, परंतु हमारे ज़िले में पूर्ण जो निचली बस्तियाँ हैं, स्लम बस्तियाँ हैं, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का पानी आने का संभावना पिछले कुछ सालों में रहा है। इस साल हमने ये कोशिश किया है कि इस पर के ऐसा भी स्थिति ना आए, क्योंकि सभी नालों का बड़े नालों का साफ सफाई कर लिया गया है, पर एक प्रिकॉशन के रूप में हमें डिज़ास्टर के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसी के लिए आज ये एक्सरसाइज किया गया, जिसमें NDRF और SDRF की टीम ने बाढ़ की स्थिति में लोगों का कैसे बचाव किया जा सकता है, डूबने के अगर कोई व्यक्ति डूबता रहता है तो उसका कैसे बचाव किया जा सकता है, इसके संबंध में एक डेमोन्स्ट्रेशन आज यहाँ संयुक्त रूप से किया गया। पूर्व जो है हमारा एक मॉक ड्रिल था कि अगर बाढ़ आपदा की अगर स्थिति निर्मित होती है जिले में या संभाग में, तो हमारी SDRF और NDRF की टीम दोनों संयुक्त रूप से जो है किस तरह से लोगों का बचाव करेंगी, किस तरह से लोगों को अवेयर करना है, और हमारे इक्विपमेंट क्या क्या हैं उनको अपन चालू करके उनका एक तरह से रिहर्सल करके देख रहे हैं कि हमारे उपकरण जो है सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और ज़रूरत पड़ने पे हम उनका किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से करने से फ़ायदा यह है कि एक तो हमारी टीम जो है रेडी पोजीशन में रहती है, और उनको विभिन्न तरह की जो परिस्थितियाँ हैं उनसे निपटने में और NDRF और SDRF दोनों एक साथ में करने से एक कोऑर्डिनेशन होता है कि दोनों लोग मिल के कैसे काम करेंगे, और दूसरा कि किस तरह से जो है अगर हमें अगर कोई विपत्ति आती है, चाहे बाढ़ हो या अन्य आपदा, तो हम किस तरह से मिल के काम करेंगे, और हमारे उपकरण जो है अगर ठीक से अगर काम नहीं कर रहे तो उनका हम रिपेयर वगैरह करा के अपनी पूरी तैयारी से के साथ रहेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।